वैक्सीन होगी। जो वैक्सीन एक सर्कल के लिए है वो आपकी वैक्सीन है, दूसरे सर्कल महंगा। तो आप इस टेबल पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में सीमो है, डीआईओ में डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, इनसे आप बात कर लेंगे और उसके साथ में डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के लोग भी एक्सपर्ट्स, उनसे बात करके करके अगर हमारी कोई इस तरह के क्वेश्चन हैं, कोई गलत मैसेज है तो उसको हम समझ सकते हैं और हम सही न्यूज को निकाल सकते हैं। हाँ, इसका उद्देश्य ये है कि मीजल्स और रुबेला जो वायरल इन्फेक्शन है जो कि बिना बताए आ जाते हैं, किसी हम मीजल्स या रुबेला के बच्चे के पास छींकने या खांसने से हो गया, उन सभी को रोकने रोकथाम के लिए ये मीजल्स और रुबेला अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कौन से बच्चे, किस उम्र के बच्चे शामिल? ये 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को लिया जाएगा। और कहाँ कहाँ से? ये सभी जगह पूरे प्रदेश में जितने भी बच्चे 9 महीने से 15 साल तक के, उन सभी को कवर करने की कोशिश की जाएगी। करीब हमारा लक्ष्य है कि 7,64,00,000 बच्चों का लक्ष्य है हमारा। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि जिनको लग चुका है टीका ये दोबारा लगवाएं? हाँ, जिसको लग चुका है उसको भी, ये एक एक्स्ट्रा डोज है, इसे सबको लगवाना अनिवार्य है। इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे क्या मैम? इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत सेफ ड्रग है। थोड़ा बहुत फीवर या खांसी वगैरह हो सकती है, वो अपने आप 1-2 दिन में चली जाएगी। और इसके लिए हम लोगों ने एक किट अलग से भी तैयार की है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उस किट के हिसाब से दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।